हाय फ्रेंड्स, टेक्स का एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारे इंडिया के अंदर पॉल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा फैलता जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर जो एयर है काफ़ी ज़्यादा दूषित हो गया है, पल्यूट हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। अभी कुछ समय पहले मुंबई का जो पॉल्यूशन लेवल है उसको भी काफ़ी ज़्यादा पाया गया है, और काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा होने के वजह से पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता वाली बात है कि जब हम और 2-3 साल या 5 साल बाद जाएंगे तब की क्या स्थिति होगी। इसलिए काफ़ी ज़्यादा काम बहुत ही पहले से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर होना शुरू हो गया था। दोस्तों, दिल्ली के अंदर भी काफ़ी सारे रिसर्च ऐसे हो रहे हैं जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत ही जल्दी दिल्ली की सड़कों पे और मुंबई की सड़कों पे भी दौड़ने लगेगी। दोस्तों, मुंबई में कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक बसेस का भी काम शुरू हो गया है, इलेक्ट्रिक बस भी बनाई गई है, उस पर लोगों के ट्रायल्स भी चल रहे हैं, गाड़ियों के काफ़ी अच्छे ट्रायल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, 2018 से लेकर 2025 तक शायद से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, ऑलमोस्ट 50-80% तक हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हमारे भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली हैं। तो दोस्तों, देखेंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे काम करती है, क्या इसकी बैटरी लाइफ है, क्या वाकई में ये नॉर्मल आम गाड़ियों जितनी एवरेज दे पाएगी या उतना चल पाएगी, इसे कैसे चार्ज करना है, क्या क्या इसकी तकनीकी संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक्स का। दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ी सुनते ही सबसे पहले सबके ध्यान में यही आता है कि ये गाड़ी कितना टाइम तक चलेगी, कितना टाइम इसको चार्ज करना पड़ेगा। बहुत पहले दोस्तों एक बात बता दूं, बहुत पहले भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई थी लेकिन इतना सक्सेस नहीं हो पाया था। कुछ दिनों तक ये गाड़ियां चली मार्केट में लेकिन उसके बाद में इसका डामाडोल हो गया, अच्छे से पकड़ नहीं बना पाई मार्केट में। लेकिन दोस्तों, अब हमारे भारत की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर इतना पॉल्यूशन हो गया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ काफ़ी मस्त हो गई हैं। पॉल्यूशन को हटाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक गाड़ी को अपनाना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो वेस्पा कंपनी है इसने अपना एक वेस्पा इलेक्ट्रिका नाम से एक स्कूटर लॉन्च किया है। मैंने जैसा कि आपको बताया, बहुत ही जल्द ये स्कूटर अवेलेबल हो जाएगा भारत के अंदर भी, और शायद से 2018 में ये हमारे सड़कों पे चलने लगे। तो दोस्तों, ये जो स्कूटर है इलेक्ट्रिक वेस्पा, इसको चार्ज करने के लिए, पूरा चार्ज करने के लिए हमें केवल सिर्फ 4 घंटे का समय लगता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। 4 घंटा आप रात को इसको चार्ज कर सकते हैं, और आप इसको 4 घंटे चार्ज करने की मदद से 100 किलोमीटर तक चला सकते हैं। तकरीबन 62 माइल तक ये गाड़ी एक चार्ज पे चल जाएगी। तो दोस्तों, यही इसका सबसे हाईलाइटिंग फीचर है कि इसके अंदर चार्जिंग टाइम काफ़ी कम दिया गया है, और जो बैटरी बैकअप है यानी जो गाड़ी चलेगी इसकी चार्ज की मदद से, वो 100 किलोमीटर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के सामने आया है दोस्तों। दोस्तों, इसकी स्क्रीन जो हमें स्पीडोमीटर हमें हमारी गाड़ियों में दिखता है, स्कूटर में दिखता है, वहाँ पे भी सेम स्पीडोमीटर दिखेगा। इसका जो स्पीडोमीटर का साइज होगा वो 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले होगा। तो जैसा कि हमने स्मार्टफोन में सुना है, तो ये इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ एक स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट होने का काम करेगी। इसके अंदर 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले में आपको बैटरी इंडिकेटर दिखेगा, जैसे कि हमें वहाँ पे फ्यूल दिखता था, यहाँ पे हमें बैटरी इंडिकेटर दिखेगा कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है और कितने टाइम में ये डिस्चार्ज हो जाएगी और आपको कब इसको चार्ज पे लगाना है। दूसरी ओर ये जो है एक स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट होगी। जैसा मैंने आपको बताया, स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट होने के साथ में आपको एक मैसेज का आपको जो नोटिफिकेशन है वो भी देगी, आपके कॉल्स के नोटिफिकेशन देगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये आपके फ़ोन के ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट हो जाएगी, जिसकी मदद से आप अपने गाड़ी पे अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन देख पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये TFT डिस्प्ले है, तो कभी लोग सोच रहे होंगे कि ब्राइटनेस लेवल क्या होगी। दोस्तों, इसके अंदर 4 लेवल की ब्राइटनेस लेवल दी गई है, यानी कि आप जैसे भी कंडीशन में निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके, तो जैसा सनलाइट होगा उस हिसाब से स्क्रीन जो है अपने आप अडेप्ट कर लेगा डिस्प्ले, और आपको क्लियरली ये जो डिस्प्ले है काफ़ी अच्छे सनलाइट में भी, ब्राइट सनलाइट में भी काफ़ी अच्छे से इसको देख पाएंगे और इसका जो कमांड है वो ले पाएंगे। दोस्तों, ये जो स्कूटर है इलेक्ट्रिक वाली, ये आपके वॉइस कमांड को भी लेगी, यानी कि आप जो वॉइस कमांड इसको देंगे, लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर वाली, और भी बहुत सारे जो आप वॉइस कमांड इसको देंगे, ये काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट करेगा। काफ़ी भीड़ भाड़ होगी रोड पे, काफ़ी सारे हॉर्न बजते हैं जैसा कि मैं, आप सभी जानते हैं,
तो देखेंगे कि ये वॉइस कमांड कितना एक्यूरेटली काम करता है गाड़ी के साथ में, क्योंकि बहुत शोर शराबा होता है बाहर के टाइम पे, तो आपके वॉइस को और वो जो हमारा डिस्प्ले है, जो मॉनिटर लगा हुआ है सामने की तरफ गाड़ी में, वो वॉइस को कितने अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है, कितने अच्छे से समझता है, या फिर बाहर इसका थोड़ा डामाडोल हो जाएगा, ये तो गाड़ी आएंगी तो चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि कितने अच्छे से ये वॉइस कमांड जो काम करता है। अभी के फिलहाल के लिए तो इसने कहा गया है, इसमें कहा गया है कि वॉइस कमांड भी दी गई है, ये आपके वॉइस के कमांड को भी काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली कितना अच्छा निकल के सामने आता है वो तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में पता चलेगी कि कैसा हमें देखने को इसमें मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके लुक्स एंड डिज़ाइन की, कि कैसा लुक ये स्कूटर का हमें देखने को मिलता है। आप सभी लोग देख सकते होंगे बहुत ही खूबसूरत इस बाइक को बनाया गया है, इसकी डिज़ाइन क्राफ्टमैनशिप है काफ़ी कमाल की है, बहुत ही अच्छा इसका कलर मेटेलिक ग्रे कलर जो दिख रहा है अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कंपनी ने कहा है कि 7 और कलर में ये जो बाइक है वो लॉन्च होगी, अभी फिलहाल के लिए ग्रे मेटेलिक कलर है जो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत है। स्कूटी की बात करें तो वेस्पा की जो स्कूटी होती है ऑलवेज काफ़ी अच्छी लुक्स के साथ आती है, तो इस बार भी इसमें भी लुक्स के लिए कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, पूरे के पूरे मार्क्स ले जाता है लुक्स एंड डिज़ाइन में। दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे इसको चार्ज कैसे करना है, तो डेफिनेटली एक जो उसकी की सीट है उसके नीचे इसका चार्जिंग कंपार्टमेंट दिया है, वहाँ पर आप इसको लगा के चार्ज कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होगा, यार जो स्कूटी है इसके अंदर स्पेस कितनी होगी, क्योंकि एक्टिवा लेना या स्कूटी लेना सबका यही रीज़न होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है और काफ़ी जो सामान है वो लोग कैरी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सीट है उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी गई है, कंपनी ने बताया कि आप एक हेलमेट रख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रिक USB जो सॉकेट है वो भी यहाँ पे दिया गया है, बैग रख सकते हैं, टिफिन रख सकते हैं, बहुत सारा स्पेस इसके अंदर दिया गया है। तो स्पेस के मामले में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसा नहीं है कि यार इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया तो इसके अंदर स्पेस कम कर दी है, मशीन ज़्यादा है और जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा, ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल इसका उल्टा हुआ है, चीज़ें काफ़ी कम हो गई है, इंजन जो स्पेस है काफ़ी कम ले रहा है और स्पेस स्कूटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स ये थी वेस्पा की इलेक्ट्रिका, जिसमें सबसे हाईलाइटिंग फीचर्स यही था कि इसको 4 घंटे चार्ज करने के बाद में 100 किलोमीटर तक आप इस गाड़ी को आराम से दौड़ा सकते हैं, तो सबसे अच्छा बात यही स्कूटर का निकल के सामने आता है। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में आके कि आप लोग इसको कितने अच्छे से अपनाना चाहते हैं, आप लोग ईगर हैं या नहीं है, या फिर एक फ्लॉप निकल के सामने आता है। मेरे हिसाब से फ्लॉप तो नहीं होगा इस बार, क्योंकि काफ़ी अच्छी टेक्निकली इसको डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी अच्छा इस पर काम किया गया है। आप इस स्कूटर के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मुझे पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा, आप लोगों की एक्सपीरियंस भी शेयर करिए, देखेंगे कि क्या क्या नया इस स्कूटर में निकल के सामने और आता है। दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि हम नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए अच्छे से लेके आएँ और आप उसका आनंद ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों अलविदा लेते हैं आपसे, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ में। दोस्तों टिल देन मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।